हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल युगजी एफएफसी। गाइस, प्रेरणा इंस्पिरेशन सुनने में तो काफ़ी आसान शब्द है, और जब मैं इसे ढूंढने निकला तो इसे ढूंढते ढूंढते इस घर तक आया। इस घर पे मैं क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ नया देखा। ये देखिए आप, घर के जो गार्डन है, मेरे को लगा जैसे मैं किसी नर्सरी में आ गया हूँ। और नर्सरी में जो पौधे होते हैं, जितने पौधे वहाँ होते हैं गाइस, यकीन मानिए उससे ज़्यादा पौधे आपको यहाँ मिलेंगे। और मेरी जो खोज है, जिस पर्सन से मैंने कुछ इंस्पायर्ड हुआ, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, उन पर्सन से आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ। आप हैं मैडम, आपका नाम? मैं आशा सोनी। आशा सोनी मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। तो मैडम, मैं यहाँ से निकल रहा था और आपके घर के बाहर इतने सारे गार्डन देखे, मतलब इतने गमले गार्डन देखे, मुझे लगा कहीं वाकई में नर्सरी तो नहीं है। मैं कुछ शौक हो गया। तो मैडम, कहाँ से मिली आपको, मतलब कहाँ से आपको ये आपकी हॉबी है इतने सारे, ये जो आपने हॉबीज है, ये मुझे मतलब बचपन से शौक था इसका। जी 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 जी। फिर सोचा कि आगे चल के मतलब गमले वगैरह खरीदने लेके जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। जी जी। तो मैंने कुछ ऐसा आइडिया सोचा और कुछ ही यूट्यूब में भी मैंने सर्च किया। जी जी। तो उससे भी मुझे कुछ प्रेरणा मिली, और तेल की कैन आती है और भी चीजों के, सीमेंट का भी मैंने कुछ ट्राई किया है, तो ये सारे सब कुछ मैंने बनाया। तो मैडम, ये जब जो चीजें मैं देख रहा हूँ, ये जो गमले हैं, ये जो ये पूरा वर्क मेरे को लग रहा है आपने, ये हैंडीक्राफ्ट वर्क है, पूरा आपने हाथ से किया हुआ है। हाँ जी, मैंने ये हाथ से कटिंग करके और पहले ग्राफ तैयार किया, फिर इस तरीके से। अब मैडम देखिए, चिड़िया है, ये चिड़िया आपने कैसे बनाई? ये मैंने एक्सरे से बनाई हुई है। अच्छा, ये जो एक्सरे की जो शीट होती है जिसे अपन वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, हाँ जी। आपने उसको यहाँ पे यूज करके इतना अच्छा आर्ट दिखाया है। ये चिड़िया कितनी बढ़िया लग रही है, और इसी का ये पैरेट है, ये अच्छा, ये तितली भी उसी का ही है जी। जो काफी बढ़िया लग रहा है जी। और मैडम ये सीताफल देख रहा हूँ छोटा सा, ये क्या है मैडम? ये मैंने सीमेंट से बनाया है। अच्छा, ये आपने खुद घर पे तैयार किया है? हाँ जी, मैंने जो दूर से लगता है जैसे सीताफल है प्रॉपर जी। और मैडम, ये मशरूम देख रहा हूँ नीचे में, ये भी बेस्टेड से बनाया है। ये बॉटल है, जो बिस्लरी की बॉटल आती है। अच्छा, ये प्लास्टिक की बॉटल है? हाँ जी, प्लास्टिक की बॉटल है। और ये बड़ा दिया जो अपन दिवाली में यूज करते हैं। अच्छा, उसको आपने उल्टा करके उस पे उल्टा करके सीमेंट का थोड़ा सा इसमें कोट कर दिया शेप देने। तो गाइस, मैडम से सीखिए आप लोग भी कैसे मैडम ने प्लास्टिक की बॉटल का यूज किया है, और दिए को जो अपन दिवाली के बाद फेंक देते हैं, उनको मैडम ने उल्टा करके उसको अच्छे से पेंट करके ये व्हाइट व्हाइट उसमें डॉट बना के प्रॉपर मशरूम का लुक दिया है। और मैडम, ये जब जो चीजें हैं, ये जैसे ये कमल का फूल है, ये मैडम पेंटिंग मतलब आपने खुद हाथ से की अपने? हाँ जी, मैंने ये अपने हाथ से किया है। और ये केन का, अलग अलग केन के हिसाब से अलग अलग डिजाइन देना पड़ता है। अच्छा, ये जो केन है, ये ऑयल की केन है, जो हम ऑयल यूज करते हैं उससे केन को हम कबाड़े वाले में या फेंक देते हैं ऐसे ही, जो मतलब किसी हमारे काम की नहीं होती, आपको उसमें अच्छे से पेंट करके उसकी कटिंग करके अच्छा डिजाइन दिया हुआ है। हाँ जी, ये डबल हैंडल वाला केन था। जी 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 जी, उसको मैंने कटिंग किया है। और मैडम, ये हाथी, अच्छा ये भी केन है एक्चुअली? ये भी केन है, इसको मैंने उल्टा करके बनाया है, केन को उल्टा कर दिया। जी 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 जी। और ये वाटर मिलन, ये सीमेंट का बनाया, ये भी आपने खुद ही बनाया है? हाँ जी, इसके ऊपर पेंटिंग भी आपने खुद ही करी है? हाँ जी। और ये भी केन है, और ये जो है आपने डॉग बनाया उसके ऊपर? हाँ जी। कोई पहली नजर में देखकर ये नहीं कह सकता कि ये आपने अपने हाथों से बनाया है। तो मैडम, और बताइए मैडम अपने बारे में, मैडम ये आपका मैडम पैशन है क्या है ये? मुझे तो वैसे भी गॉड गिफ्ट है ये। जी जी जी। मैंने कहीं से सीखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आइडिया बस यूट्यूब से लिया था मैंने। मैडम, और क्या शौक है आपके? मुझे पेंटिंग करना, घर को डेकोरेशन करने का मुझे बहुत ज्यादा शौक। मैडम, मैं देख रहा हूँ काफी सारे गमले आपने अपने पूरे घर में नीचे से लेके ऊपर तक लगाए हुए हैं, जो दूर से दिख रहे हैं मेरे को। मैडम, हम गमले भी देखेंगे, लेकिन मैडम उसके पहले मैं ये जो सब्जियां देख रहा हूँ मैं, ये आपने क्या भाव लिए हैं? ये मैंने घर की सब्जियां हैं ये। अच्छा, ये किसी भाव में नहीं है, ये आपने घर में उगाई हैं? गार्डन की सब्जियां। प्रॉपर ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, बिना किसी केमिकल के, जो मैडम ने अपने घर पे ही अच्छे से उगाई हैं। देख सकते हैं गाइस, घर की सब्जी। हाँ, ये गिलहरी ने खा लिया था एक, तो मैं अभी तोड़ के लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा, इसको बना लेंगे। लेकिन मैडम, ये केमिकल फ्री है, कोई पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं किया हुआ है, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। देख सकते हैं गाइस, ये टमाटर, ये
बैगन और ये पत्ता गोभी मैडम ने, ये बैगन घर पे इतने ज्यादा मतलब हो गए थे कि ये फटने लगे थे, इतने ज्यादा हो गए थे, तो मैंने फिर इनको मुझे तोड़ना पड़ा। तो मैडम हम आपके जो गार्डन है वो देखने बाद में चलेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी हैंडीक्राफ्ट चीजें और देखना चाहूंगा। मैडम आपने अपने हाथों से और क्या क्या बनाया दिखाइए। एक मैंने ये कद्दू बनाया हुआ है। ये अच्छा, ये कद्दू भी अपने हाथ से बनाया। जी 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 जी। और ये छोटे जो दिवाली के जो दिए होते हैं जी, ये उनको मैंने उल्टा करके इसको घिस के शेप दिया है जी, और फिर उससे ये बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया लगा। गार्डन में रखने में इससे सुंदरता बढ़ती है। और मैडम ये जो दूर से मैं देख रहा था यहाँ पे जब मैं आपके यहाँ एंट्री करी, मैडम ये जो गाजर है ये भी आपके खेती की, ये भी आपने छत पे लगाई है? अभी मैं निकाल के लेके आई। अभी आपने इसको वॉश नहीं किया है, अभी इसको वॉश करेंगे आप। और मैडम ये देखिए, ये जैसे चिड़िया के लिए आपने कुछ बनाया है, देख रहा हूँ मैं, चिड़िया का घोंसला है क्या है? हाँ जी, ये कार्टून का मैंने काट के बनाया हुआ है। पक्षी आते हैं, अंडे देते हैं अपने गर्मियों में वो। और मैडम ये आपने चिड़िया के लिए दाना रखे हैं बोतल में, क्या चिड़िया आती है मैडम इस पे? हाँ जी, चिड़िया आती है, ये मैंने पानी के लिए बनाया। और ये क्या है मैडम? ये पानी के लिए बनाया। अच्छा, इसमें मतलब चिड़िया पानी पियेंगी, इसमें दाना खाएंगी और इसमें वो रेस्ट करेंगी जी। और एक और मैडम ये ऊन का घोंसला बनाया, इसमें वो रहेंगी जी। मैडम इतना मतलब इको फ्रेंडली, पर्यावरण का इतना ध्यान रखना है आप। छोटे छोटे चिड़िया आजकल जो हमें दिखाई देती वो यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी मात्रा में आवाज आ रही है उनकी, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जी मैडम बिल्कुल, सबको रखना चाहिए। मैडम आपको देख के काफी लोगों में प्रेरणा आएगी और हो सकता है ये मैसेज जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको देख के मोटिवेट हों और वो भी ऐसे प्रयास करें और कुछ सीखें हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो मैडम ये जो गमले हैं ये आपने खुद बनाए हैं मैडम? इसका जो ये मैं देख रहा हूँ इसमें एक चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे, ये है बतख। तो ये भी आपने खुद बनाई है अपने हाथों से? मैंने ये खुद बनाया है। मैडम ये कैसे बनाया है आपने? ये मैंने पहले इसको शेप दिया, फिर उसको कटिंग करके बनाया है मैंने। अच्छा, पहले आपने इसको शेप दिया फिर आपने इसको कटिंग बनाया। तो पहली नजर में कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपने हाथों से बनाया है, ऐसा लगा जैसे ये कोई हैंडीक्राफ्ट है आपने मार्केट से लिया हो। तो गाइस ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं ये मैडम ने अपने कबाड़ से जुगाड़ लगाई है। ये सब चीजें आप भी अपने द्वारा अपने घरों में कर सकते हैं। देखिए गाइस, देखिए, सीखिए मैडम से। और मैडम मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ ये जो ये क्या है? ये शार्पनिंग करने का है, डस्ट हो जाती है प्लांट में, तो देखा जाए तो यही आपकी इससे एयर वाला है। इसको मैं यूं करके इसको वॉश कर देती हूँ अपने पौधों को। और मैडम मैं देख रहा हूँ आपने एक एक पौधे का ऐसे ध्यान रखा है जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही आपने बच्चों के समान एक एक पौधे की देखभाल कर रहे हैं। और मैडम ये जो आपका औजार है ये मैं कहूँ तो ये तो मतलब इसी यही आपका औजार मेन है, ये बंदूक का काम कर रही है। और मैडम और क्या दिखाना चाहेंगे मैडम आप? बोतल का मैंने बनाया है। अच्छा, ये ऐसी बोतल होती है, कोका कोला की आती है। गाइस देख सकते हैं किस तरह वेस्ट बोतल को मैडम ने तोड़ के बीच में से कट करके ऊपर से अच्छी ड्राइंग की है। ड्राइंग के बाद फिर दाने दाने जो बनाए हैं ब्लैक ब्लैक, और ऊपर से ये गमला बनाया, मतलब ये होममेड गमला मैं कहूंगा जो काफी अलग ही लुक दे रहा है, अलग ही इंटीरियर दे रहा है पूरे घर में। और मेरा ये टूटा हुआ एक कप था घर में। जी जी जी, इसका हैंडल टूट गया था, हम लोग इसमें चाय पीते थे पहले। देखिए गाइस, टूटे हुए कप को भी मैडम ने किस तरह इसको रीयूज किया है और एक अच्छा लुक दिया है। yes, और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होके अच्छा गमला बन गया, पॉट बन गया ये। तो जैसा कि आपका नाम है आस्था जी, तो आपको देखकर आपको सुनकर हमारे प्रति भी आपकी काफी आस्था बढ़ती जा रही है और हम भी आपसे काफी इंस्पायर्ड होते जा रहे हैं। और क्या दिखाना चाहते हैं मैडम आप? एक ये मैंने मिनरल बनाई है। अच्छा, ये आपने ये जो तितली है आपने खुद बनाई है ये? हाँ जी। ये मैडम कैसे बनाई है, कैसे किया है ये आर्ट आपने? ये थर्माकोल की बॉल आती है जो, तो थर्माकोल की तीन बॉल लेके मैंने इसको ग्लू गन से अटैच किया। अच्छा, ग्लू गन से अटैच किया। हाँ जी। और ये नेट का कपड़ा होता है तो उसके मैंने पंख बनाए। तो ये तितली ऐसा लग रहा है जैसे काफी अच्छा आर्ट, मतलब कोई बाजार से शोपीस उठा के आया हो किसी शोरूम से, तो ये आपने खुद अपने हाथों से ये तितली बनाई है। मैडम ये हाथ देख रहा हूँ मैडम, ये गमले के ऊपर हाथ, मैडम ये क्या का, ये कैसा आर्ट है मैडम? ये क्या है? ये मैंने ग्लब, ये गमला है, ये एक डिब्बा था। अच्छा, एक डिब्बा था जी। और ये जो हैंड होते मतलब ग्लव्स होते हैं जी, जी जी जी, जो अक्सर डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक ग्लव्स रहते हैं। हाँ, सर्जिकल ग्लव्स बोलते हैं इसको जी। उसमें ये सीमेंट भर के फिर उससे बनाया है शेप देके।
मैडम तो काफी आपका इंस्पायर्ड होता जा रहा हूँ आपके। मैडम ये जो पौधे हैं छोटे छोटे मैडम, ये कैसे पौधे हैं मैडम? ये कौन सा पौधा है बता सकते हैं? सर ये पुदीना है, अपने को घर में भी यूज होता है ये पुदीना है। मतलब ये हर पेड़ का कुछ ना कुछ यूज है, हर पौधे का कुछ ना कुछ यूज है। हाँ, और दिखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। और जिस बारीकी से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हैं, तो मैडम मैं तो काफी आपसे इंस्पायर्ड हो गया हूँ। तो मैडम अभी तो मैंने सिर्फ आपका ये हैंडीक्राफ्ट वर्क देखा, अभी तो पूरे घर में जो ऊपर से नीचे तक आपके यहाँ गमले लगे पड़े हैं जी, वो तो मैडम इस वीडियो में आ नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बनाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि आप किस तरह से ये सब्जियां अपने घर में उगा रही हैं। कुछ टिप्स भी मैं पूछूंगा आप सब्सक्राइबर्स के लिए जो आपको देखें, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिएगा। तो मैडम काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो गाइस ये थी आस्था सोनी जी, जिनके यहाँ मैं आज विजिट करने आया था, जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ। ये जो उन्होंने बनाया है, जो इन्होंने चिड़िया के घोंसले बनाए हैं, जो इन्होंने एक्सरे की जो खाली शीट का यूज किया है, ये तितली बनाई है। तो गाइस आप भी ये सब अपने हाथों से कर सकते हैं। और गाइस इसे ही मैं कहूँगा प्रॉपर कबाड़ से जुगाड़। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मैं जल्दी से जल्दी कुछ नया लेके आता हूँ आपके सामने, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।